हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्लास थर्ड मैथ्स। टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100, आल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम एस्टिमेट करते हैं टेंस प्लेस पे तो कैसे करना है। आज हम पढ़ेंगे 100 प्लेस पे एस्टिमेट करना और एक्चुअल डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो 100 प्लेस पे एस्टिमेट करना कैसे होगा? एस्टिमेटेड नंबर फाइंड आउट करेंगे पहले हम। एस्टिमेटेड नंबर्स इक्वल टू 439 का एस्टिमेट करेंगे 100 प्लेस पे, वंस टेंस 100। तो जिस प्लेस का करना होता है उसके पीछे वाले सारे जीरो हो जाते हैं, ये तो कल ही समझा दिया था। तो टेंस और वंस प्लेस पे तो ज़ीरो आ गया। अब 100 प्लेस का नंबर में प्लस वन करें या नहीं करें उसके लिए हम देखेंगे नेबर को। तो 3 है, 3 5 से छोटा है, तो 4 ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई प्लस नहीं होगा। देन ये लास्ट के दोनों नंबर, ये दोनों भी ज़ीरो हो जाएंगे। और 3 में प्लस वन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका पड़ोसी ज़ीरो है जो 5 से छोटा है, तो इसमें प्लस वन नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 3। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आया इसका, एस्टिमेटेड डिफरेंस आया हमारे 100। अब एक्चुअल डिफरेंस बताओ। एक्चुअल डिफरेंस इक्वल टू, एक्चुअल मीन्स जो नंबर दे रखा है उसी को माइनस करेंगे। 439 को 302 से माइनस करेंगे। 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 3 1, 137 इसका एक्चुअल सम, एक्चुअल डिफरेंस है। देन क्वेश्चन नंबर बी, एस्टिमेटेड नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। एस्टिमेटेड नंबर तो इसमें क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स तो ज़ीरो हो जाएंगे, 7 में प्लस 1 नहीं होगा क्योंकि उसका पड़ोसी 1 है जो 7 से छोटा है। इन दोनों में पीछे के नंबर ज़ीरो, लेकिन 5 में 1 प्लस होगा क्योंकि 9 5 से बड़ा है। 5 से कंपेयर किया ना इसको, तो ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो इसमें 1 प्लस होगा, तो 5 प्लस 1 हो गया 6। अब हम एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना हुआ, 100। एक्चुअल डिफरेंस इक्वल टू 710 माइनस 592। तो ज़ीरो में से 2 नहीं जा सकता, बोरो करेंगे तो 10 माइनस 2 8, यहाँ पे ज़ीरो रह गया, बोरो किया तो 10 माइनस 9 1, 6 माइनस 5 1, 118 आवर आंसर। तो इस टाइप से आपको एस्टिमेट करना सीखना है। पहले हम एस्टिमेटेड नंबर निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस करेंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल जो नंबर है उनका डिफरेंस करना है। डू प्रैक्टिस इन रफ नोटबुक एंड डू इन फेयर नोटबुक आल्सो। थैंक यू।